भाई ठेके खुल गए, कल के नंबर लगा लेता बिछल के, चला जल्दी। मेरे पापा जो खुद को प्रधानमंत्री समझते हैं ना, उनसे लेकर असली प्रधानमंत्री तक, जो गली में कूड़ा उठाने आते हैं उनसे लेकर अमिताभ बच्चन तक, पिछले 2 महीने से सब इस बात पे ज्ञान दे रहे हैं कि कोरोना वायरस क्या है और ये कैसे फैलता है। लेकिन नहीं, 1947 में तुम्हें आजादी मिल गई है, अब तुम किसी के बाप की नहीं सुनोगे। अगर सरकार पूरी तरह ये लॉकडाउन खोल देती है तो आंख वाले अंधो तुम्हें इतना भी नहीं दिख रहा कि भीड़ कहां पर है, जबकि तुम्हें सब कुछ पता है कि इस बीमारी से बचना कैसे। अगर बाहर दुकानें खुल रही है तो वो तुम्हारे लिए खुल रही है, थोड़ा तरीके से, थोड़ा समझदारी से तो बाहर निकलो। पर यार वो अर्थव्यवस्था उठानी है, एक दिन में सब मिलकर अर्थव्यवस्था उठाओगे तो सबकी अर्थ ही उठ जाएगी। तुम सालों पूरी दुनिया को समझाने जितने समझदार तो हो, पर खुद को नहीं समझा सकते। यहाँ साला हर दुकानदार चाहता है कि उसकी दुकान खुल जाए, हर नौकरी वाला चाहता है कि वो नौकरी पे जाने लगे, हर साला शराबी चाहता है कि ठेके खुल जाए, पर साला देश की पड़ी किसे। हम स्कूल जाने वाले बच्चे, मगर हम नहीं चाहते हमारा स्कूल खुले। हम चाहते हैं कि पूरी तरह से कोरोना वायरस भाग जाए। और जो होमवर्क मिला है वो? चल बाहर चलते हैं। सन 2000 के बाद से ना बच्चे पैदा होना ही बंद हो गए। हाँ साले बाप ही पैदा हो रहे हैं। आईपीएल में मैच किसका है आज? आईपीएल? अबे कौन सा आईपीएल? अबे यार हो तो रहा है, अभी तो मैंने पॉइंट टेबल देखे है, मुंबई इंडियंस सबसे आगे है। अबे वो कोरोना की अपडेट है यार, मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस निकले हैं। तभी कहूँ यार, इस बार इतनी सारी टीमें कैसे खेल रही है। मैं क्या कह रहा था, एक आध बोतल तो ले ही आते हैं, चख लेंगे। तू कब से पीने लग गया बे? यार सारे यार दोस्त पीने वाले हैं, साले सब मर जाएंगे तो हम जी के करेंगे क्या? अबे हम है यार, घर वालों को टाइम। बस यार घर वाले 1.5 महीने से साथ रह रहा हूँ उनके, अब तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हमें। स्टार्टिंग के एक हफ्ते ही अच्छा लग रहा था कि घर वालों के साथ हैं, अब कब तक झूठी तसल्लियां थे फेसबुक व्हाट्सएप पे। ठीक है, वो मूवी का क्या हुआ? लॉकडाउन हो रही है, मूवी का लॉकडाउन लग गया। डाउनलोड हो रही है।